नमस्कार, मैं हूं प्रियंका और आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे एडवांस आयुर्वेद के खास कार्यक्रम आयुर्वेदिक विज्ञान में। दोस्तों, हमारे इस कार्यक्रम में आपको गंभीर से गंभीर बीमारी का सरलता से इलाज उपलब्ध है। तो यदि आपकी भी कोई भी समस्या है, कोई भी परेशानी है और आप मार्गदर्शन चाहते हैं तो उसके लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट करने के लिए तमाम डिटेल्स लगातार आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि हेल्थ इज़ वेल्थ और यदि आप हेल्दी हैं तो आपकी लाइफ की बहुत सारी प्रॉब्लम्स तो ऐसे ही दूर हो जाती हैं। हम लगातार यही प्रयास कर रहे हैं कि आप भी अपनी लाइफ में हेल्दी रह सकें और उसके लिए जो कुछ इस मंच के माध्यम से संभव हो सकेगा वो हम करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम अपने आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी वैद्य संजीव भारद्वाज जी का। संजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। नमस्कार संजीव जी, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और हम हमारे इस स्पेशल कार्यक्रम में ऐसी बीमारियों को लेकर आते हैं जिनको लेकर बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं लोगों के दिमाग में और जिनको लेकर लोगों को लगता है कि शायद ये बीमारी हो गई है तो अब लाइफ कहीं ना कहीं रुक गई है या ख़त्म सी हो गई है। लीवर फेलियर की आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही होता है कि लीवर फेलियर जो वर्ड आता है या जब लोगों को पता चलता है तो उसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है? क्या उसका मतलब ये होता है कि लीवर ने काम करना बिल्कुल बंद कर दिया या क्या स्टेजेस होती हैं? हाँ, देखो, लीवर फेलियर की जब हम बात करते हैं ना, तो लीवर फेलियर, फेलियर जहाँ शब्द आ गया, इसका मतलब किसी भी सिस्टम का फेल होना। अगर कोई भी सिस्टम अपना काम करने में असमर्थ हो गया तो दैट इज़ कॉल्ड फेलियर। अब उसमें उसका स्टॉप होना, ये नहीं कि लीवर आपके शरीर से बाहर निकल जाएगा या वो बिल्कुल उसके वो आपके शरीर में नज़र नहीं आएगा तब उसका फेल होना है। एक सिस्टम से लीवर वर्क कर रहा है जहाँ पर कुछ बिलिरुबिन्स को मेंटेन करता है, SGOT, SGPT, कुछ हार्मोन्स, कुछ ग्लाइकोप्रोटीन्स को मेंटेन करता है। अगर वो उसको मेंटेन करने में असमर्थ है तब हम मानेंगे कि इसका लीवर का फेल होना शुरुआत होगी। लीवर फेल होने का मतलब ये नहीं है, लीवर फेल कई तरह से हो सकता है। जैसे अगर किसी को खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा वो भी एक पार्ट ऑफ लीवर फेलियर है। किसी को सिरोसिस ऑफ लीवर हो गया वो भी पार्ट ऑफ लीवर फेलियर है। किसी को लीवर कैंसर हो गया वो भी इस तरीके से। किसी को जॉन्डिस हो गया वो भी लीवर फेलियर का पार्ट है। तो उसको कई पार्ट्स में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि लीवर फेल होने का मतलब लीवर का नज़र नहीं आना या 100% उसका किसी काम को नहीं करना, इस तरह से लीवर जी बिल्कुल। तो संजीव जी, यानी कि जब आपका लीवर नॉर्मल फंक्शन से ठीक से कर नहीं पाता है उसे या उसे हटकर कुछ होने लगता है आपकी बॉडी में तो आप कह सकते हैं कि लीवर फेलियर है। जी बिल्कुल। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि साइन और सिम्टम्स इसके क्या हैं, कैसे पहचान सकता है एक व्यक्ति या पेशेंट? देखिए, लीवर की आजकल जो बीमारी चल रही है उसमें सबसे जो बड़ी समस्या है वो है सिरोसिस ऑफ लीवर, जिसको कहा जाता है कि वो असाध्य है। तो आज मैं उसी के विषय में आपसे बात करना चाह रहा हूँ, उसी के मैं आपको साइन एंड सिम्टम के बारे में कुछ थोड़ा सा बताता हूँ कि वो एक्चुअल वो होता क्या है। देखिए, सिरोसिस का मतलब किसी भी चीज़, किसी भी हमारे सेल्स और टिश्यूज़ का फाइब्रोसिस हो जाना। जब वो फाइब्रोसिस हो जाएगा तो उस कंडीशन में क्या होगा कि आपका लीवर प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं कर पाएगा और वहाँ पर वो जो उसको जो प्रोटीन्स या जो भी हमारी बॉडी के अंदर ग्लाइकोप्रोटीन्स प्रोड्यूस करने हैं वो करने में असमर्थ हो जाएगा और वो लीवर पत्थर की तरह हार्ड होता चला जाएगा। जिस तरह रबड़ का टुकड़ा होता है ना, बहुत ज़्यादा हार्ड, उस तरह से वो हार्ड होता चला जाएगा। तो वो अपना काम करने में असमर्थ हो जाएगा, असमर्थ हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड सिरोसिस ऑफ लीवर। तो उसके लिए कई तरह की डायग्नोसिस और जांच होती है जिससे वो पता चलता है और फिर उसका किस तरह से ट्रीटमेंट है ये मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। जी बिल्कुल संजीव जी, तो डायग्नोसिस के बारे में तो हम आपसे जानेंगे लेकिन इससे पहले मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगी कि कॉजेस क्या होते हैं, क्या ऐसे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से लीवर फेलियर किसी भी व्यक्ति को या किसी पेशेंट को होता है? हाँ, अल्कोहल देखिए इसका एक मेन रीज़न और वायरल इन्फेक्शन भी इसके लिए मेन रीज़न है। लेकिन बेसिकली क्या है कि आजकल मैंने कई ऐसे औरतें और बच्चे मेरे पास आते हैं जिनको सिरोसिस ऑफ लीवर है, तो मैं सोचता हूँ कि इनको, मैंने उनसे पूछा कि भाई तुम्हारे को कभी जॉन्डिस हुआ या ऐसा कुछ हुआ? उन्होंने कहा जी कभी नहीं हुआ। तो अब मैं जब वहाँ पर निष्कर्ष पर पहुँचा तो मैं ये पहुँचा कि केवल शराब और वो चीज़ ही उसके लिए जिम्मेदार नहीं है। हमारा आजकल का खान पीन, जिस केमिकल को हम लोग आज खा रहे हैं, जिस तरह से हम दूध पी रहे हैं उसमें भी हमारी बॉडी में केमिकल जा रहा है। जिस तरह दूध भी आजकल नकली बन रहा है, यूरिया और क्या क्या डाल के दूध बन रहा है, अल्टीमेटली इन सब चीज़ों का प्रभाव आपके लीवर के ऊपर ही पड़ेगा। इन सब चीज़ों का प्रभाव आपके किसी और चीज़ पर, क्योंकि डाइजेशन का सबसे बड़ा, देखिए हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन है। अगर उस और इतने बड़े ऑर्गन को संभालना है तो उसका मैनेजमेंट, आपका घर बड़ा होगा तो उसका मैनेजमेंट भी आपको बड़ा ही रखना पड़ेगा। आपका ऑर्गन बड़ा है तो उसका मैनेजमेंट भी बड़ा होगा। अगर आप उसको हल्के में लेंगे तो वो, क्योंकि बड़ा है तो हो सकता है कि वो आपकी प्रॉब्लम्स को थोड़ा ज़्यादा झेल जाए, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं कि अगर आप रेगुलर उसको डिटोरिएट करते जाएंगे तो अल्टीमेटली तो वो डैमेज होगा ही होगा।
तो आपको सबसे पहले अपने खान पीन में देखना है, नेचुरल खाना रहे, जितना हो सके फास्ट फूड से बचना चाहिए, वायरल इन्फेक्शन वाली चीज़ें, गंदे पानी से अपना बचना चाहिए। इन सब चीज़ों से हम लीवर की कुछ डैमेज होने का बचाव कर सकते हैं, लेकिन सिरोसिस जिसको अगर हो जाता है तो उसके बाद में ट्रीटमेंट उसका संभव है, असंभव नहीं है, ये मैं अभी आपको क्लियर करूँ। जी बिल्कुल संजीव जी, तो ट्रीटमेंट के बारे में हम आपसे ज़रूर जानेंगे, और जब किसी को भी एक बार पता चल जाता है कि लीवर फेलियर है तो उसको कन्फर्म करने के लिए डायग्नोस करना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगी कि हमारे ऑडियंसिस को ये पता चल सके कि क्या सही वे है डायग्नोस करने का, जिससे उनको एग्जैक्ट रिजल्ट पता चले और उसके बाद वो आगे बढ़ सकें। हाँ देखो, ये सबसे मेजर पार्ट है। देखिए पता है क्या है कि जहाँ डायग्नोसिस हो गया, डायग्नोसिस के जब आपको ये पता हो ना कि आपके बॉडी में समस्या क्या है और आपको किस चीज़ का इलाज करना है, तो फिर आपके लिए वो समस्या उतनी बड़ी नहीं रह जाती। उस वो समस्या इसलिए उतनी बड़ी नहीं रह जाती क्योंकि आपको पता है कि हमारी मंजिल का है, हमें कहाँ तक पहुँचना है। अब आपको कभी आप रस्ते इसी आपको मैं थोड़ा समझाता हूँ। जैसे अब आपके पास में एक बिलिरुबिन आपका बढ़ गया, आपके लीवर फंक्शन टेस्ट कराया उसमें बिलिरुबिन बढ़ गया, और अगली रिपोर्ट के अंदर वो कम आ रहा है ज़्यादा रहा है, आपको पता रहेगा तो आपके लिए समस्या उतनी बड़ी नज़र नहीं आएगी। अगर हम अंधेरे में किसी चीज़ को करेंगे तो अलग तरह से हमारे को उसके रिजल्ट आएंगे, क्योंकि हमारा मन उसके अंदर पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हो पाएगा उस ट्रीटमेंट से, इलाज से। तो इसके लिए जो बेसिक जो डायग्नोसिस है वो लीवर फंक्शन टेस्ट है, कंप्लीट ब्लड काउंट रेगुलर कराया जाता है, एंडोस्कोपी इसमें कराई जाती है, अल्ट्रासाउंड इसके अंदर रेगुलर कराया जाता है। तो ये सब डायग्नोसिस करके एक फाइब्रो स्कैन इसमें लगातार कराया जाता है कि फाइब्रोसिस कितना हो चुका है। बायोप्सी का एक प्रोसीजर होता है, वो तो खैर पुराना हो गया बहुत, बायोप्सी का प्रोसीजर की अब कोई ज़रूरत नहीं है, वो तो बहुत 1947 में बायोप्सी लोग करा करते थे, अब तो फाइब्रो स्कैन की नई मशीन है, उसी से ही क्लियर हो जाता है कि आपका बेसिकली कितना वहाँ पर लीवर के अंदर फंक्शन कर रहा है या कितनी हार्डनेस आ चुकी है। जी बिल्कुल संजीव जी, यहाँ पर आपसे ज़रूर जानना चाहूँगी कि डायग्नोस के आपने इतने सारे हमें विधियाँ बता दी, इतने सारे तरीके बताए हैं, कितना टाइम लगता है एक पेशेंट जब डायग्नोस के लिए जाता है तो उसे कितने टाइम में रिजल्ट पता चलता है, क्या एग्जैक्ट उसी समय पता चलता है या उसके लिए वेट कर? डायग्नोसिस में देखिए एक आध दिन के अंदर डायग्नोसिस कंप्लीट हो जाती है, आजकल बहुत एडवांस स्पीड है, आजकल वो पुराना तो देखो समय रहा नहीं, आजकल बहुत लेटेस्ट मशीन्स है, तुरंत आपको डायग्नोसिस पता चल जाता है। एक दो दिन के अंदर डायग्नोसिस कंप्लीट हुई, आदमी अपना ट्रीटमेंट शुरू कराता है, धीरे धीरे करके उसकी समस्या का समाधान होता जाता है। तो वो ऐसे ही करके होगा। अब सपोज करो कि अब डायग्नोसिस हमने करा लिया, हमारे पास में ट्रीटमेंट नहीं है तो उसका भी कोई यूज़ नहीं है, जो कि आजकल सबसे ज़्यादा चल रहा है। आप किसी बड़े हॉस्पिटल में चले जाओ लीवर की प्रॉब्लम लेके, तो उनको ये लगता है कि भैया ये तो 25-50 लाख रुपए का आसामी आ गई, इसको अपना रख लो, उसकी डायग्नोसिस के नाम पे उसे लाखों रुपए अपना ऐंठ लेंगे और एंड ऑफ द डे रिजल्ट के अंदर उसको जीरो है। तो ऐसे जीरो रिजल्ट का क्या फायदा बताइए मुझे आप, उसका कोई यूज नहीं है ना मैडम। तो इसलिए सबसे बड़ी बात है कि डायग्नोसिस तब कराने का फायदा है जब आपके पास उसका ट्रीटमेंट हो। मैं लोगों को भी ये कहता हूँ कि आपको समझना चाहिए कि बीमारी क्या है और उसका ट्रीटमेंट क्या है। जब आपको ये पता हो कि इसका ये ट्रीटमेंट है तो फिर डायग्नोसिस कराओ अपना, उसी जगह से डायग्नोसिस आदमी को कराए और हाथ के हाथ अपना ट्रीटमेंट ले और उसके अंदर डिफरेंसेस देखे। जी बिल्कुल, ट्रीटमेंट है और ट्रीटमेंट हम हमारे दर्शकों को यहाँ इस मंच के माध्यम से उपलब्ध भी कराएंगे, लेकिन इससे पहले आपसे ये जानना चाहूँगी कि जब कोई भी बीमारी होती है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो उसमें स्टेजेस एक बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। और कई बार ऐसा होता है संजीव जी कि एकदम आप लास्ट स्टेज पर पहुंच जाते हैं और तब आपको लगता है कि आपने पहले ध्यान नहीं दिया, काश पहले ध्यान दे लिया होता है तो शायद ये प्रॉब्लम आज बहुत छोटी होती। ये लीवर फेलियर की जो हम बात करेंगे तो आप ग्रेडिंग कैसे डिसाइड करते हैं, कौन कौन सी स्टेजेज होती हैं, इस बारे में हमें बताएं। हाँ देखिए, ग्रेडिंग के लिए हमारे पास में बहुत से टेस्ट हैं, INRPTA इंटरनेशनल नॉर्मल रेशियो बोलते हैं, अगर वो 1.1 से नीचे है तो जीरो स्टेज होती है, 1.1 से 1.44 तक है तो फर्स्ट स्टेज है, 1.88 तक है तो सेकंड स्टेज है, उससे ऊपर 2.44 तक है तो इसका मतलब थर्ड स्टेज है, उससे ऊपर जा रहा तो फोर्थ स्टेज है, या फिर बायोप्सी के अंदर कितना हमारे अंदर डैमेज हो चुका है उससे हम लोग डिसाइड कर लेते हैं स्टेज क्या है। बेसिकली क्या है कि जो भी स्टेज है आपकी उससे वो वापस आ रही है कि नहीं आ रही है। अब जैसे मैं आपको बताता हूँ, लोग कहते हैं कि सिरोसिस ऑफ लीवर एक बार हो जाए तो उसके बाद में फिर उसका ट्रीटमेंट इंसान के लिए संभव नहीं है, वो उसके पास में मृत्यु ही है। कैसे मृत्यु है उसके बाद में, जब हर चीज़ का इलाज है संसार के अंदर, जो चीज़ खराब हो सकती है तो वो ठीक क्यों नहीं हो सकती? उसके लिए आपको आपने मेहनत ही नहीं करी। देखिए मैंने अभी कुछ पेशेंट्स का ट्रीटमेंट किया सिरोसिस ऑफ लीवर का इसी महीने के अंदर, जिसमें मैंने उनको दिखाया कि भाई देखो अपना ये वाला आप टेस्ट कराइए, और उस टेस्ट के अंदर चेंजेस आए, सबने माना ये। और ये भी नहीं कि मेरे घर में वो टेस्ट हुए, गंगाराम हॉस्पिटल के अंदर वो टेस्ट हुए, वहाँ पर उनका मैंने टेस्ट कराया। तो अभी मैं रिपोर्ट आपको दिखाता हूँ। देखिए ये पहले उसका, ये पेशेंट का नाम है हरजीत सिंह, इसका फाइब्रो स्कैन कराया 61.5 था, जब ये 61.5 था तो उसके बाद जब मैंने इसका नेक्स्ट कराया तो नेक्स्ट के अंदर ये 35.8 आ गया, 35.8 आने का मतलब सीधा सीधा हो गया। मैं आपको इसके क्लियर बता देता हूँ कि ये तरीका क्या होता है। जैसे फाइब्रोस्कैन आपने कराया, फाइब्रोस्कैन का मतलब हुआ कि सीधा आपका 75 अगर आपका फाइब्रोसिस हो गया तो 100% लीवर डैमेज, इस हिसाब से इसका 61.5 पे 90% के आसपास लीवर डैमेज था। जब हमने इसको दोबारा 4 महीने बाद कराया तो उसके अंदर चेंजेस आ गए। तो अब क्वेश्चन यहाँ पर ये आ रहा है कि जब एक आदमी के चेंज आ सकते हैं तो 100 के क्यों नहीं आ सकते,
ट्रांसप्लांट उसका कैसे ऑप्शन हुआ जब वो चीज वैसे ठीक हो सकती है, तो उसके लिए ट्रांसप्लांट क्यों कराएगा वो? कोई रीजन नहीं है ना उस चीज का। जी बिल्कुल संजीव जी, तो इसका मतलब ये है कि हमें जो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है वो बिल्कुल रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है। बहुत सारी बीमारियां आपकी ठीक हो सकती हैं लेकिन उसके बावजूद भी कोशिश नहीं की जाती है। देखिए पता क्या रॉन्ग इन्फॉर्मेशन क्यों है, क्योंकि आज ना सभी जितने भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं सब मरीजों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं। पैसा लो और एक्सपेरिमेंट करो, जिस चीज़ का कोई बेस नहीं है कुछ नहीं है उस चीज़ को अपना वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है। लीवर का नाम आती होगी जी, लीवर ट्रांसप्लांट करा लो, वो ट्रांसप्लांट करा लो, उनसे पूछा जाए जी आपकी सक्सेस रेट क्या है, तो उनके पास में जवाब नहीं है। मैंने खुद अपने आप लोगों से मैं क्वेश्चन करता हूँ, आप अपने आस पास में 10,000 लोगों को देखना कि जो भी अपने 50,000 जो भी आपके आस पास में पूरा शहर बसता है उसमें देखो कि कितने ऐसे आदमी हैं जिन्होंने लीवर ट्रांसप्लांट करा रखा है और सर्वाइव किए हुए हैं, एक भी ढूंढने से भी नहीं मिलेगा आपको। तो वो ऑप्शन जीरो ही है। वो कहते हैं देखिए वर्डिंग क्या होती है कि 1% जहां पर कोई चांस नहीं है तो 1% चांस लेने में क्या हर्ज है? अरे 1% चांस के अंदर दूसरा जो डोनर है उसकी जिंदगी का सवाल है। डोनर को आप करते हो लोग उसको हेपेटाइटिस हो जाता है, लीवर उसका आप ले लेते हो तो उसके बाद में दुनिया भर की उसको कॉम्प्लिकेशन हो जाती है। जिसको लीवर ट्रांसप्लांट होना है वो बचेगा नहीं बचेगा वो तो बाद की बातें, पहले तो डोनर के लिए एक पूरी गंभीर समस्या है उसकी। जी बिल्कुल संजीव जी, तो यहाँ बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं जिनको दूर करना बहुत ज़रूरी है। और कॉम्प्लिकेशन मैडम, कॉम्प्लिकेशन तो ज़बरदस्ती हम लोग खुद अपने लिए पैदा करते हैं बेसिकली, इसके अंदर किसी की जिम्मेदारी नहीं है। हम लोग बिना सोचे विचारे किसी भी अब रात कोई भी किसी भी अस्पताल में आप जाएंगे वहाँ पर जाते शुरू हो जाएंगे, अभी इसका कराओ जी, अभी ऑपरेशन कराओ, अभी ये कराओ, अभी फटाफट बताओ, 4 दिन में आदमी नहीं रहेगा। अरे कोई ज्योतिष कार्यालय है क्या, अस्पताल है कि क्या, वहाँ पर उनको क्या पता 4 दिन रहेगा कि नहीं रहेगा। लोग तो ओटी के अंदर जाते हैं, वहाँ से भी बाहर नहीं आ पाते। तो जब वो ओटी से भी बाहर नहीं आ पा रहा तो फिर उसको अपना उसको टाइम देना चाहिए कम से कम वो अपना सोच विचार कर ले। उसको इतना प्रेशर टैक्टिक से इतना ज्यादा उसको सप्रेस कर देते हैं बेचारे की सोच को कि वो सोच ही नहीं पाता कि मेरे को अपना अगला मेरे लिए सही कदम क्या है। जी बिल्कुल संजीव जी, हम आगे ज़रूर बढ़ेंगे और अपने ऑडियंसिस को सही रास्ता भी दिखाने की कोशिश करेंगे। आगे मैं जानना चाहूँगी कि एक बार डायग्नोस हो गया और आपको पता चल गया कि लीवर फेलियर है, तो उसके बाद मैनेजमेंट में क्या होता है, कैसे आप प्रिवेंशन ले सकते हैं या क्या कुछ फर्स्ट स्टेप रहता है और उसके बाद कैसे आगे बढ़ते हैं? देखिए हमारे यहाँ प्रिवेंशन जब मैनेजमेंट है, इसका मैनेजमेंट ये देखा जाता है कि अगर सपोज करो कि अगर एसाइटिस है, फ्लूइड टैपिंग है, ये कोई अगर कहीं ट्रीटमेंट अगर बहुत ज़्यादा एडवांस स्टेज में चला गया तो वो इसके अंदर मैनेजमेंट के अंदर हम लोग जरूर यूज़ करते हैं, या कहीं इसको खून कम हो, क्योंकि अब हमारे हम लोगों का आयुर्वेद के अंदर है नहीं ना, वैसे आयुर्वेद में सर्जरी का ऑप्शन गवर्नमेंट को देना चाहिए, ये गवर्नमेंट से मेरी अपील है। अगर वो गवर्नमेंट इसमें सर्जरी का ऑप्शन देती है तो हमारे लिए जो मैनेजमेंट के लिए हमारे को इधर उधर धक्के खाने पड़ते हैं वो खाने की जरूरत नहीं है। ट्रीटमेंट तो उनके पास है नहीं, मैनेजमेंट भी हमारे यहाँ से सीखा हुआ है उन्होंने, तो अब वो हमारे ऊपर ही बैन हो गया, हमसे सीखा है और हमारे ऊपर ही बैन हो गया। टैपिंग के लिए हमारे पूरी शल्य चिकित्सा के अंदर हर चीज़ का विधान है, एक एक चीज़ के लिए वर्णोत्पत्ति करा पाका पेशी नाम सामपि वैद्यदमुपदाह परिकीर्तित है, सारे श्लोक लिखे हैं किस किस तरह से मैनेजमेंट हो सकता है लीवर फेलियर का संस्कृत में, ऋग्वेद के अंदर एक एक श्लोक लिखा हुआ है। उसके बाद भी हमारे ऊपर ही बैन है, हम उसको मैनेज नहीं कर सकते। फिर भी मैनेजमेंट के लिए चलो जैसे भी एनी हाउ उसके अंदर पोटेशियम पूरा रखा जाता है, पनीर की मात्रा ज़्यादा खिलाई जाती है, प्लस में थोड़ा बहुत मेडिकेशंस दी जाती हैं जिनसे उन वहाँ पर देखिए फाइब्रोसिस जो सेल हो गए हैं वो फाइब्रोसिस वाले सेल को आपको जिंदा करने की जरूरत नहीं। मैं एक कहीं बैठा हुआ था तो उन्होंने कहा कि जी भरा हुआ सेल जिंदा नहीं हो सकता, इसका फाइब्रोसिस का मतलब है कि सेल मर गए। तो मैंने उनको बोला सर कि मैं तो इसी संसार में रहता हूँ, मरे हुए को तो कोई जिंदा नहीं कर सकता, लेकिन मुझे मरे हुए को जिंदा करने की आवश्यकता नहीं है, क्यों ना मैं नए पैदा करूं? तो रिजुवनेशन सेल ऑफ सेल मैं कैसे करूंगा इसके बारे में मेरे को विचार करना ज़्यादा जरूरी है, बजाय इसके बारे में विचार करूं कि मैं मरे हुए को जिंदा कैसे करूं। तो मैंने उसके बारे में विचार किया तो रिजल्ट मेरे सामने आ गया कि देखिए मैंने रिजुवनेशन, अरे जो सेल डेड हो गए मैं उनकी चिंता क्यों करूं, मैं आगे ये सोचूं कि यहां पर ये नए सेल पैदा मैं कैसे कर सकता हूं, जब वो नए सेल पैदा होंगे तो अल्टीमेटली रिजल्ट मुझे पॉजिटिव ही आएगा, नेगेटिव क्यों आएगा? रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा नहीं आ रहा तो मेरी रिपोर्ट सामने रखी हुई है, ये तो अभी एक रिपोर्ट दिखाई है, इसके बाद अभी मैं आपको और भी दिखाने वाला हूँ। जी बिल्कुल संजीव जी, तो आगे हम रिपोर्ट्स के बारे में तो ज़रूर बात करेंगे। यहाँ पर आपने एक बात का जिक्र किया कि गवर्नमेंट को आपको कुछ और सुविधाएं देनी चाहिए जिससे आप हमारे पेशेंट्स को और ज़्यादा फैसिलिटीज़ दे सके और उनको ज़्यादा सर्जरी उनको आयुर्वेद में ओपन करनी चाहिए। आयुर्वेद के जितने भी आयुर्वेदाचार्य हैं सबको सर्जरी होनी चाहिए कि वो अपना सर्जरी करें, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करें, उसमें क्या उसमें गवर्नमेंट को क्या परेशानी है? अगर वो मैनेज कर रहे हैं वो कहते हैं जी इस चीज़ का रिजल्ट नहीं है, इसका वो नहीं है, तो ये लो रिजल्ट मैं दे रहा हूँ आपको, अब कराओ। आप पूरे वर्ल्ड में बोलो कौन कहता है कि ये काम नहीं हो सकता, और लाओ मैं उसको साइंटिफिकली प्रूव करके देता हूँ कि ये देखो ये काम हो रहा है कि नहीं हो रहा। अब उसके बाद भी अगर कोई कहता है कि नहीं जी ऐसे नहीं करेंगे, फिर तो वो धोखाधड़ी होगी, फिर तो जबरदस्ती किसी चीज़ को सरप्रेस करना हो गया कि कोई चीज़ आगे ना बढ़ जाए, फिर तो ये हो गया कि लोगों की जान से ज़्यादा पैसे की कीमत होगी। जी बिल्कुल, फिलहाल इन स्थितियों में भी आप बहुत अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं, तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आपको कहाँ पर लगता है कि हाथ यहाँ पर बंधे हुए हैं और इस स्थिति में आप कैसे मैनेज करते हैं लोगों को इस तरह का? ऑब्वियसली देखिए फिर अब अल्टीमेटली फिर वही है कि उसका अगर सपोज करो जहाँ
उसका ट्रीटमेंट चल रहा होता है तो हम उसको समझा देते हैं भाई ठीक है अपना वहाँ पर आप टैपिंग टूपिंग कराते रहो, पानी भर गया तो पानी निकलवा लो, ब्लड की जरूरत हो तो वहाँ ब्लड चढ़वा लेना, प्लस साथ में ये मेडिकेशन है एलोपैथी की मेडिसिन इमीडिएटली हम लोग उनकी बंद करा देते हैं क्योंकि उसके अंदर कोई दो पैसे की मेडिसिन नहीं, कोई मेडिसिन का रिजल्ट नहीं, किसी का पीलिया तक नहीं ठीक कर सकती, वो क्या सिरोसिस ऑफ लीवर को ट्रीट करेंगे, जॉन्डिस तक का ट्रीटमेंट नहीं है उनके पास। मैंने पूछा किसी से, मैंने कहा सर आप ये ट्रांसप्लांट करते हैं लीवर ये काम कैसे करता है, मुझे जरा थोड़ा समझाओ इसको आप ट्रांसप्लांट लीवर को, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा आपकी किस क्या थ्योरी है। तो उसने कहा जी जो हम लीवर डालते हैं 30% सॉरी वो 30% लीवर अपने आप को रिजुवेनेट कर लेता है जैसे स्टारफिश की लेग्स करती है। पर मैंने कहा स्टारफिश की लेग तो जेन्युइन होती है, वो ट्रांसप्लांटेड कहाँ होती है, मैं तो ट्रांसप्लांटेड लीवर के बारे में मेरा क्वेश्चन है, ये तो लॉजिक ही मैच नहीं कर रहा। फिर भी चलो नेक्स्ट में मैंने समझने की कोशिश करी कि वो कैसे करती है। तो फिर मैंने उसको बोला कि जब एक आदमी आपके पास में 50% लीवर लेके आता है जो उसका सही होता है, 50% उसका डैमेज होता है, तो जब आप उस 50% को नहीं ठीक कर पा रहे तो उस 30% को कैसे करोगे, तो वो लॉजिक ही नहीं उनके पास में कोई चीज का। आप कह रहे हो ट्रांसप्लांट करा लो वो करा लो, आप गोद की छोड़ रहे हो पेट की आस कर रहे हो, एक कहावत है। आगे बढ़ेंगे और बाकी रिपोर्ट्स के बारे में भी हम बात करना चाहेंगे कि और कैसे कैसे रिजल्ट्स आपके पास है ताकि हमारे ऑडियंस जो है वो भी बेहतर तरीके से समझ सकें। जैसे सिरोसिस ऑफ लीवर में एसोफेजियल वेराइसिस हो जाते हैं, इसके कारण बहुत ज्यादा रप्चर हुए तो उसके बाद में ब्लीडिंग हो गई है, इस तरीके की समस्या आप एंडोस्कोपी करके लोग उसमें छल्ले डलवाते हैं, उसको EVL बोलते हैं। तो ये सब जो भी चीजें आप लोग कराते हैं तो उसके बाद में देखिए, अब ये यहाँ पर मैं आपको एक रिपोर्ट दिखा रहा हूँ, इसको ग्रेड 2 के एसोफेजियस वेराइसिस थे जी, ठीक है। इसके बाद में जब हमने इसका दोबारा एंडोस्कोपी कराया तो इस एंडोस्कोपी के अंदर आ गया इरेडिकेटेड एसोफेजियल वेराइसिस। इरेडिकेटेड का मतलब क्या हुआ, इरेडिकेटेड का मतलब हुआ घटते हुए, यानी कि वेराइसिस हमारे घटने शुरू हो गए। इसी कड़ी के अंदर मैं आपको एक रिपोर्ट और दिखाता हूँ जिसमें एक पेशेंट था जिसको सिरोसिस ऑफ लीवर था, असाइटिस था, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज लुधियाना में उसका ट्रीटमेंट चल रहा था, आर्मी के अंदर है वो पेशेंट, आर्मी की ही बायोप्सी रिपोर्ट है उसकी। वो मैं आपको थोड़ा सा एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ जिससे कि बिल्कुल ही क्लियर हो जाए कि कौन सा काम हो सकता है कौन सा नहीं। देखो झूठ के पाँव नहीं होते, अब जो आदमी अगर अननेसेसरी कोई अनाप शनाप बोलता रहेगा कि ये नहीं हो सकता वो नहीं हो सकता, साइंटिफिकली जब प्रूव है तो फिर उसके बारे में तो कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। ये देखिए ये नोड्यूलर लीवर लिखा हुआ है, सिरोसिस है प्लस सिग्निफिकेंट असाइटिस है, पेट में खूब ज़्यादा पानी भरा हुआ था, और ये इसका क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज का है लुधियाने का। जब इसके बाद में इसको हमने चेक कराया तो ये दिल्ली जब ट्रांसफ़र हो गया, तो दिल्ली ट्रांसफ़र होने के बाद जब हमने इनका चेक कराया तो देखिए ये आर्मी हॉस्पिटल है जहाँ से इसकी दोबारा जाँच हुई है, ये आर्मी हॉस्पिटल की रिपोर्ट है और इसके अंदर साफ लिखा हुआ गया नॉर्मल CDFI स्प्लेनोपोर्टल एक्सिस, ये नीचे लिखा हुआ है इंप्रेशन में। इसके बाद जब इसकी बायोप्सी कराई गई, ये बायोप्सी कराई गई, ये भी आर्मी हॉस्पिटल से ही है क्योंकि आर्मी में है तो इसलिए आर्मी हॉस्पिटल से ही है। जब ये पैथोलॉजी हुई तो इनकी बायोप्सी हुई तो यहाँ पर देखिए क्रॉनिक HCV इन्फेक्शन लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखी हुई Stage 0, नो डेफिनेटिव ओपिनियन ऑफ ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस, नो फाइब्रोसिस। अब बायोप्सी की रिपोर्ट आ गई, एंडोस्कोपी की रिपोर्ट आ गई, फाइब्रोस्कैन की रिपोर्ट आ गई। अब इतनी सारी रिपोर्ट्स आने के बाद कोई कहे कि ये काम तो हो ही नहीं सकता, तो फिर देखो जी अगर कोई मन में ही सोच के बैठा है ये काम हो नहीं सकता तो उसका तो फिर भगवान भी कुछ नहीं कर सकता। आप सीधी सी बात है कि जिस पैथी में पीलिया तक का इलाज नहीं है उससे सिरोसिस ऑफ लीवर का इलाज कराने की तुक क्या है, जैसे पता चले आदमी को इमीडिएटली ये वाला ट्रीटमेंट शुरू करना चाहिए। लोग बेचारे खून की उल्टियां करते रहते हैं, खून चढ़ाते रहते हैं, प्लेटलेट चढ़ाते रहते हैं, जो उसकी पोर्टल वेन उनकी अगर डायलेट हो गई है तो उसका तो उनके पास कोई ट्रीटमेंट नहीं है, फाइब्रोसिस हो गया उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। कायदा ये बनता है, वो कह रहे हैं वो शुरू में आप जाएंगे आपको कहेंगे हाँ जी ये गैस की गोली खा लो, ये अपना ये वाली खा लो, अपना वो सुबह खा लेना, शाम को खा लेना, दोपहर को खा लेना, खाते रहोगे अल्टीमेटली वो और ज़्यादा डैमेज होता जाएगा। तो सबसे पहले आपको जिस चीज़ से डैमेज हो रहा है या जिस कारण से डैमेज हो रहा है, हेपेटाइटिस बी है, सी है, या उसके अच्छा देखो हेपेटाइटिस बी होगा सी होगा तो क्या करेंगे, हेपेटाइटिस बी सी के इंजेक्शन लगाने शुरू कर देंगे। जो लीवर डैमेज हो गया है वो कैसे ठीक होगा, क्या वो बी सी के इंजेक्शन इंट्राफेरॉन या दूसरे इंजेक्शन लगाने से ठीक थोड़ा हो जाएगा, कि आपने हेपेटाइटिस बी के लिए उसके इंजेक्शन लगा दिए, उसके इतने साइड इफेक्ट हैं कि लोगों की बोन मैरो तक डैमेज हो जाती है, बी और सी तो क्या नेगेटिव होना इनसे, तो वो कोई मैटर नहीं है। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ इसका प्रोसीजर ही है, आपको पता चले कि अगर आपको किसी भी कारण से लीवर के अंदर सिरोसिस है, जो कभी अल्ट्रासाउंड आदमी कराता है लीवर फैटी है और उसको पता चलता है कि उसके बाद में उसको हल्का फुल्का सिरोसिस है कुछ भी है, तो उसके बाद में ज़्यादा चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं, सीधा सीधा अपना ट्रीटमेंट इमीडिएटली लेना शुरू कर दें जिससे साल दो साल में उसके अंदर अपना साल छः महीने में चेंजेस आने शुरू हो। चेंजेस आ रहे नहीं आ रही हमें कैसे पता चलेगा, जैसे ट्रीटमेंट शुरू करेंगे फाइब्रोस्कैन करा लेंगे, उसके बाद हर 3 महीने में एक फाइब्रोस्कैन होता रहेगा, अगर चेंज आ रहे हैं तो भी पता चलेगा, नहीं आ रहे तो भी पता चलेगा।
बस क्लियर है उसमें। जी बिल्कुल संजीव जी, तो आगे हम ज़रूर बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले अपने ऑडियंस से ज़रूर कहेंगे कि हम लीवर फेलियर के बारे में आपको तमाम जानकारी उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहे हैं, और साथ ही साथ आपको संजीव जी का गाइडेंस भी मिल रहा है। इसके अलावा भी यदि आप किसी भी प्रकार का मार्गदर्शन चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, अधिक जानकारी चाहते हैं, तो उसके लिए आप संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करने के लिए कॉन्टैक्ट की तमाम डिटेल्स लगातार आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। संजीव जी, हम आगे बढ़ेंगे और हम लगातार लीवर फेलियर की बात कर रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे मेडिकल टर्म्स की आपने बात करी हैं जो आम आदमी के लिए समझना थोड़ा सा मुश्किल है, तो मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगी उन मेन टर्म्स के बारे में जिनको समझना हर किसी के लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि उनको आगे चलकर कोई कन्फ्यूजन ना हो सके। नहीं, उसमें देखिए टर्मिनोलॉजी की कोई बात नहीं। आज तक हमारे को जो बेवकूफ़ बनाया गया एलोपैथिक में, वो टर्मिनोलॉजी के नाम पर बनाया गया। आप कहते हैं कि उसके पेट में, आप कहते हैं कि पेट में पानी भरा, वो कह रहा है एसाइटिस है, वो आप कहेंगे जी वो है, वो कहेंगे जी इंटरपेरिटोनल ट्रांसफ्यूजन है, वो कुछ और बताएगा। तो ये टर्मिनोलॉजी बता के एक आम आदमी को बेवकूफ़ बना दिया, तो उसको सोचता पता नहीं उसको क्या हो गया, उसके बाद में उसका क्या हाल होता है, ये सब लोग जानते हैं। देखिए टर्मिनोलॉजी की बात नहीं है, सीधी बात है, अगर लीवर सिरोसिस उसको हुआ, आपका क्लियर हो गया कि लीवर में सिरोसिस है, तो आप उसका अपना आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट शुरू कराएं। कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी डायग्नोसिस होनी है, किस किस वक्त में क्या क्या मैनेजमेंट होना है, ये सारा तो मैनेजमेंट किया ही जाएगा आपका। जब किया जाएगा तो अल्टीमेटली रिजल्ट तो पॉजिटिव ही आएंगे, आपको नेगेटिव आने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि नेगेटिव आयुर्वेद नेगेटिव है ही नहीं ना। आयु का जो वेद है वो नेगेटिव कैसे हो सकता है? जो चीज़ हमारी परंपरा है वो नेगेटिव कैसे हो सकती है? जो आपका कल्चर है वो कैसे नेगेटिव हो सकता है? जो 100-200 साल से, देखिए आप 100-200 साल पहले कोई पैथी आई, अब आज उनके पास में अभी उनकी रिसर्चेस कंप्लीट नहीं है बेचारों की, बहुत लाचार पैथी है, उनके पास में कुछ नहीं है, तो फिर उनके साथ में कोई कंपैरिजन नहीं है ना उस चीज़ का। आप एक बहुत अच्छे पहलवान के साथ में एक बहुत ही ऐसे आदमी को कंपेयर कर रहे हैं जिसका बेचारे का कोई अस्तित्व नहीं है, तो उसका कोई यूज़ नहीं है। जी बिल्कुल संजीव जी, तो आगे हम बढ़ेंगे और आपसे बाकी इन्फॉर्मेशन भी लेंगे, लेकिन उसके साथ साथ अपने दर्शकों को ज़रूर कह दूं कि यदि आप अधिक जानकारी चाहते हैं या फिर संजीव जी को फेसबुक पर भी फॉलो करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप फॉलो कर सकते हैं। उसके लिए आपके पास डिटेल्स लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर आपको दिखाई जा रही है। संजीव जी, हम आगे बढ़ेंगे और लिवर फेलियर की बात करें, तो यहाँ पर कॉम्प्लिकेशंस के बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगी। मैनेजमेंट की यहाँ पर हमने बात करी है, तो मेन कॉम्प्लिकेशंस क्या होती हैं और कैसे बाहर निकलते हैं? मेन कॉम्प्लिकेशंस देखिए उसकी, जैसे ब्लीडिंग होती है, एसोफेजियल वेरिसल ब्लीडिंग हो गई, वो एक इसमें मेन कॉम्प्लिकेशन मानी थी, क्योंकि खून का भी लॉस हो रहा है अंदर, वहाँ पर जो ना वो परेशानी भी हो रही है। तो उसको कैसे रोका जाता है? उसको विटामिन के से रोका जाता है। नेचुरल विटामिन के बहुत सारी हमारे जूसेज हैं जिनके अंदर विटामिन के होता है, वो रेगुलर आदमी पीता है तो उसका विटामिन के पूरा होता रहता है, और उसके बाद में धीरे धीरे करके उसके वो अंदर से जैसे जैसे उसके वायरसेस कम होते हैं तो उसकी वो कॉम्प्लिकेशन धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाती है, क्योंकि उसको उसकी पोर्टल वेन डायलेटेड है तो उसके पेट में पानी भर रहा है, एल्बुमिन उसकी बॉडी में कम हो रहा है, लीवर उसका प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाने के कारण SGOT SGPT उसका बढ़ा हुआ है। जैसे जैसे वो फंक्शन करेगा तो वो चीज़ें हमारी LFT और CBC में क्लियर होती जाएंगी कि प्लेटलेट काउंट कितना है, क्योंकि बेसिक इसमें क्या है कि एक तो प्लेटलेट बहुत कम होता है, एक एल्बुमिन बहुत कम होता है, तो अंडे से एल्बुमिन पूरा जाता है, प्लेटलेट काउंट के लिए नारियल पानी, सादा पानी बंद करा दो, नारियल पानी पिला दो, तो अल्टीमेटली धीरे धीरे करके उसका प्लेटलेट काउंट पूरा होता जाएगा। नेचुरल चीज़ों में इतना है, नारियल पानी को जिस वक्त में ये सेकंड वर्ल्ड वार हुई थी, नारियल पानी को प्लेटलेट की तरह सीधा सीधा चढ़ा दिया गया था लोगों की इंट्रावेनस, ऐसी चीज़ है नारियल पानी, और उससे प्लेटलेट पूरे होते हैं। ये पूरे वर्ल्ड के अंदर आपके कहीं भी किसी भी लेबोरेटरी में भी जाके पूछेंगे वही बताएगा कि यहाँ होते हैं। जी बिल्कुल, तो हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उपलब्ध हैं, आसानी से उपलब्ध हैं, इजीली और नेचुरल हैं, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। साइड इफेक्ट वाली चीज़ें लेने की क्या जरूरत है? आज आपने अपने कोई चीज़ ली और अल्टीमेटली कल उसके फायदे हुए नहीं हुए, नुकसान उसके इतने हो गए कि आपका जो ना घर बार बिक गया, तो फायदा क्या हुआ उसका? मुझे मेरे हिसाब से तो यूजलेस है, अपने पाँव पे कुल्हाड़ी नहीं मारना है, कुल्हाड़ी पे पाँव मारना है। जी बिल्कुल संजीव जी, यहाँ पर नॉलेज की कमी होती है और उसी नॉलेज को हम यूज नहीं कर पाते हैं। मैं नॉलेज की इसमें मैं ये भी कहना चाहूंगा मैडम, नॉलेज की कमी नहीं है एक्चुअली, पता है क्या, मिसगाइडेंस बहुत है। आपको इस तरीके से आपको हवा बना के इस तरह से डराया जाएगा कि अल्टीमेटली आदमी कहेगा मेरा घर बार बिक जाए भाई, मेरा जो ना आदमी नहीं बनना चाहिए, जबकि ये नहीं पता कि मृत्यु में किसी का अधिकार नहीं है। पैसा खर्च करने से अगर कोई बच सकता तो पता नहीं कितने कितने पैसे वाले बढ़े, और पैसा खर्च करने से या चुराने से ज्ञान भी नहीं मिलता। ये जो चीज़ें मैंने, ये जो मैंने आपको रिपोर्ट दिखाई, ये जो चीज़ें ठीक करी है, ये ज्ञान से ठीक हुई हैं। अब चोरी करके वो कह रहे हैं जी हमारे वेद चोरी हो गए, शास्त्र चोरी हो गए, ले जाओ वेद चोरी करके, कौन वेदों को पूछता है? वेद खुद लिख लेंगे, वेद व्यास हमारे अंदर है। जब आदमी के पास ज्ञान चोरी कर सकता है कोई? कोई नहीं कर सकता। कोई चोरी करे कोई ना करे उससे कोई लेना देना नहीं। अगर आप अपनी चीज़ के, अपने एथिक्स के ऊपर हैं, अगर आप अपनी परंपरा को निभा रहे हैं, आप तरीके से पढ़ रहे हैं, बीमारी को अच्छे से समझ रहे हैं,
किसी दबाव में नहीं है, तो अल्टीमेटली आप उसके रिजल्ट निकाल ही लेंगे, उसमें कोई कहने वाली और सुनने वाली बात ही नहीं है, उसके अंदर दो राय नहीं है। अच्छी इन्फॉर्मेशन हमारे दर्शकों को आपके माध्यम से मिल रही है। मैं आगे बढ़कर आपसे ये जरूर जानना चाहूंगी कि यदि कोई एक पेशेंट है लिवर फेलियर का, तो उसको ऐसी कौन सी मेन बातें होती हैं जब वो इलाज करा रहा है, आयुर्वेद का इलाज करा रहा है, तो उसके साथ ही साथ आप ऐसी कौन सी बातें उन्हें बताते हैं जो उनको फॉलो करना बहुत जरूरी है और जिसे फॉलो करना है? डाइट के बारे में मुझे लगता है कि आपका क्वेश्चन शायद डाइट के बारे में। देखिए, डाइट का फॉलो अलग अलग तरह से होता है। जैसे अब लीवर सिरोसिस के अंदर प्रोटीन, हाई प्रोटीन डाइट देते हैं, तब उसके अंदर सोयाबीन हो गया, ये चीज़ें हो गई। अच्छा, साथ में ये भी देखना, अच्छा कई मूंगफली भी खिलाते हैं, कई लोग मैंने देखा है मूंगफली खिलाते हैं हाई प्रोटीन के लिए, लेकिन उनको ये चीज़ इसको देने से पहले देखनी चाहिए कि अगर उसका बिलिरुबिन उसके बढ़े हुए हैं तो अल्टीमेटली आपको वो बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि मूंगफली वगैरह अगर आप देंगे उसमें तेल होता है, और तेल बिलिरुबिन जब भी लीवर डैमेज होता है तो तेल नुकसान करता है। तो हमें देखना ये है कि बेसिकली पेशेंट की कंडीशन क्या है। अगर उसका बिलिरुबिन बढ़े तो उसके अलग तरह से डाइट होगी। तो फिर इसका मतलब ये हो गया, सीधा सीधा मैं आपको समझा देता हूँ कि जो डाइट है ना वो पेशेंट टू पेशेंट वेरी करती है, मेडिसिन नहीं। डाइट पेशेंट टू पेशेंट वेरी करेगी, जैसे उसकी कंडीशन होगी उसके अकॉर्डिंगली उसको सजेशन दिया जाएगा। जी बिल्कुल संजीव जी। संजीव जी, यहाँ पर आपने एसाइटिस की बात तो कर ली है, लेकिन इसके साथ ही साथ और भी बहुत सारे ऐसे टर्म्स हैं जिनके बारे में मैं इन्फॉर्मेशन आपसे लेना चाहूँगी। जैसे यहाँ पर लिखा है हेपेटाटो रिनल सिंड्रोम या हेपेटाटिक एंसीफाइलोपैथी, ये सब क्या है? एंसीफिलोपैथी, एंसीफिलोपैथी बेसिकली बेहोशी की अवस्था होती है, जब एक पेशेंट बिल्कुल ही कोमा टाइप में चला जाता है, दैट इज कॉल्ड सीरम अमोनिया उसकी बॉडी में बढ़ जाता है। या फिर अगर आप असाइटिस की बात कर रहे हैं तो असाइटिस पेट में पानी भरने को बोलते हैं, जैसे बार बार पेट में पानी भर जाता है। देखिए, पानी को भी ना मिसअंडरस्टैंड करते हैं, वो पानी हमारे सेल से ही आता है। मैं किसी के पास बैठा था, वो कहने लगा जी इनको पानी कम पिलाओ। तो मैंने कहा सर इसको अगर पानी कम पिलाएंगे तो उससे क्या पानी कम बनेगा? कह रहे जी उससे पानी कम बनेगा। तो मैंने कहा पानी कम कैसे बनेगा? वो तो कह रहे कि मैं बिल्कुल 200 ml पूरे दिन के अंदर पानी पीता हूँ और उसके बाद भी उसके पेट में पानी भर रहा है। तो इसका मतलब ये प्रोसीजर ही नहीं है, पानी से उसका क्या लेना देना है? बेचारे को आपने प्यासा और मार दिया। जब तक उसका पोर्टल वेन डायलेटेड है, पोर्टल वेन आप उसकी सूजन नहीं उतारेंगे तो वो पानी बनना बंद कैसे होगा? उसका कोई वो नहीं ना। अगर अंदर से देखिए फाइब्रोसिस क्या होता है, बेसिकली क्या है कि हमारी इलास्टिसिटी जो होती है लीवर की वो कम हो जाती है सिरोसिस जब भी होगा। इलास्टिसिटी को नापने के लिए क्या फार्मूला है, इसके लिए फिजिक्स का एक फार्मूला है, उसका फार्मूला है इलास्टिसिटी इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू टू, यानी कि ध्वनि की रफ्तार से दुगनी रफ्तार पे जो चीज़ इलास्टिक टकरा के वापस आएगी तो उसका मतलब उसके अंदर इलास्टिसिटी एक्यूरेट है। उसको एक्यूरेट करने के लिए फाइब्रोस्कैन है। फाइब्रोस्कैन से आपने बिफोर चेक किया, आपकी इलास्टिसिटी बढ़ रही है तो भी आपको पता चला, नहीं बढ़ रही है तो भी पता चला, जो भी जिसके अंदर कॉम्प्लिकेशन आ रही है वो भी पता चला जी। तो इस तरह से करके आप उसको मैनेज कर सकते हैं। रही बात हिपाटोरिनल सिंड्रोम की, अब आप कह रहे हैं हिपाटोरिनल सिंड्रोम तब आएगा जब एक पेशेंट अस्पताल में चला जाएगा और वहाँ पर पड़ गया है और उठा के उसका जो है ना वो पेट में पानी भर गया है, उसको बेचारे को मेडिकेशन के नाम पे कुछ नहीं दिया जा रहा सिवाय पानी जो ग्लूकोज चढ़ाए जा रहे हैं, इधर उधर बिल बनाए जा रहे हैं, तो वो किडनी फेल हो जाएगी, उसकी लीवर भी फेल हो जाएगा, सब फेल हो जाएगा, उसका कुछ नहीं बचनेगा उसका। जी बिल्कुल। संजीव जी, हम आगे बढ़ेंगे और लीवर फेलियर की लगातार हम बात कर रहे हैं, हमने बहुत सारे टर्म्स की भी बात कर ली है। इलाज जब कहीं पर भी शुरू होता है, खासतौर से यदि हम एलोपैथी में देखें, तो एक बीमारी को लेकर बहुत ही लंबा वो इलाज करते हैं और फिर वो चलता ही रहता है, मुझे लगता है कभी फिनिश नहीं होता है। तो यहाँ पर आपने इलाज की बात करी है, ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे ऑडियंसिस को ये पता चल पा रहा है कि इलाज है, आसानी से उपलब्ध है और वो उसे यूज़ कर सकते हैं। कितने दिनों में रिजल्ट आना शुरू होता है और क्या नॉर्मल टर्म होता है, क्या नॉर्मल टाइम होता है? देखिए ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हमारा जो प्रोसीजर है वो यही है कि हम हर 3 महीने में फाइब्रोस्कैन कराते हैं। अगर फाइब्रोसिस कम हो रहा है तो भी नजर आता है। मैं आपको फिर दोबारा ये चीज़ दिखाता हूँ, ये देखिए ये फाइब्रोस्कैन किसी पेशेंट का कराया जिसका 27/2/2012 को हमने फाइब्रोस्कैन कराया था। 27/2/2012 देखिए लिखा हुआ है, 27/2/2012 को 61.5 था। जब दोबारा इसका फाइब्रोस्कैन कराया तो उस वक्त में ये देखिए ये हुआ है आपका 18/7/2012 को, 18/7/2012 को हुआ तो 35.8 है, तो कितने महीने का टाइम हुआ, 3 महीने या 3.5 महीने का। तो साढ़े तीन महीने का हमारा ये एक पूरा शेड्यूल होता है कि हमने हर तीसरे या 3 या 3.5 महीने के अंदर अंदर उसको कराना है दोबारा से, क्योंकि वो टेस्ट कराएंगे, देखिए डायग्नोसिस ही नहीं होगा तो फिर पता कैसे चलेगा कि आपके अंदर कितनी इंप्रूवमेंट आ रही है कितनी नहीं आ रही है। इंप्रूवमेंट आती है कि नहीं आती है, वो आती है वो तो ये रिजल्ट्स बता रहे हैं, आपकी आएगी कि नहीं आएगी वो टेस्ट बता देंगे, उसमें क्या। जी बिल्कुल संजीव जी, तो बहुत ही अच्छी जानकारी आपके चीज के लिए। भविष्यवाणी करने से अच्छा है कि हम उसको कसौटी के ऊपर कस लें, जब हमारे पास कांटा है तो अंदाजा लगाने की जरूरत नहीं है, वेट मशीन है तो एक्यूरेसी से तौल ही लेंगे उसको, फिर क्या। जी बिल्कुल संजीव जी, और बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन आपके माध्यम से मिली है, मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे जो ऑडियंसेस है वो इस एपिसोड का पूरा पूरा लाभ उठाएंगे, अगर उठाएंगे तो जान बच जाएगी उनकी, नहीं उठाएंगे तो उनकी। जी बिल्कुल, और इसी के साथ हमारे आज के कार्यक्रम का हमें यही विराम देना होगा। यदि आप भी किसी प्रकार की कोई जानकारी प्राप्त करना
करना चाहते हैं या फिर संजीव जी का गाइडेंस चाहते हैं, पर्सनली मुलाकात करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट करने के लिए तमाम डिटेल्स लगातार आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। हमारे आज के कार्यक्रम में इतना ही, अगले कार्यक्रम में आप सभी से फिर से मुलाकात करेंगे। संजीव जी स्टूडियो में आपका प्रेशियस टाइम हमें देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। वैद्य संजीव भारद्वाज जी से मिलने या अपॉइंटमेंट लेने के लिए संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है वैद्य संजीव भारद्वाज, 412 पांचवी मंजिल वेस्ट एंड मॉल, हिल्टन होटल के नजदीक, जनकपुरी वेस्ट, दिल्ली। पिन कोड नंबर है 110058। हमारा फोन नंबर है 09871461610 और 01148070707। आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा मेल आईडी है arogya22@gmail.com। हमारी वेबसाइट है www.vaidyashree.com।